पार्टी प्रदेश संगठन के मार्गदर्शन प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति में महिला मोर्चा की जिला बैठक आयोजित की थी, जहां बैठक में संभागीय प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदा पाठक, प्रदेश महामंत्री अश्विनी पराजपे, राज्यसभा सांसद उइके, प्रदेश मंत्री शशि पटेल ने संगठनात्मक विषयों पर आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तृत विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का दायित्व है कि संगठन के सभी कार्यक्रम मंडल स्तर पर आयोजित किए जाएं, साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को मात्र से तुरंत तक पहुंचाने का कार्य गति के साथ निरंतर किया जाए, ताकि जनहितैषी योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। मैडम, आज मंडला आगमन हुआ है आपका, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा को आप संबोधित कर रही हैं, क्या कारण है कि अचानक आपका यहाँ पे आगमन हुआ है? इसका कारण यह तो नहीं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो शुरू हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यह कारण नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी हर समय हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और ये तो है ही, अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसको हम लोग और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, महिलाओं की भागीदारी सबसे अच्छी हो और घर घर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी लाभान्वित योजनाएं उन घर तक पहुंच रहे वो हम लोग वो सब उनको और पहुँचाएँ। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हर घर में खुशहाली हो, हर एक व्यक्ति खुशहाली का जीवन कैसे जी सकते उसके लिए हम लोग इस तरह की बैठक करते हैं। और हमारे साथ बैठक में प्रदेश की महामंत्री अश्विनी परांजपे जी और प्रदेश की मंत्री शशि पटेल जी, और आज आप देख सकते हैं बैठ में मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी लोग हैं और जिले के अधिकारी, हम सब लोग एक अच्छी योजना बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि मैडम ने अभी चुनाव की बात कही थी कि प्रत्येक वार्डों में या पंचायतों में जो चुनाव होना है उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात कही थी, तो उस पर कैसा प्रदर्शन चाहेंगी आप? प्रदर्शन महिलाओं का, मातृशक्ति का सबसे अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ महिलाओं की चिंता करती है, तभी आप देख सकते हैं लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर हम लोग सुकन्या योजना हो, या आप देखिए घर घर में जिस बहन के आंख खराब होते थे हम लोग गैस देकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, हर एक योजनाएँ महिलाओं के लिए है और यह भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की चिंतन करती है। कैसे सफलता पाएंगी मैडम, जबकि अभी ओबीसी आरक्षण का मामला गर्म है, ऐसे ही स्थिति में कैसे सफलता पा पाएगी? जब कोई मुद्दा गर्म होता है तभी उसका प्रभाव होता है। अभी आप देखिएगा आगे आने वाले चुनाव में हम लोग का कितने अच्छे प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। जैसे कि महंगाई का मामला है, अभी जनता में महंगाई सबसे सामने है, जो मुंबई खड़ी है, उस पे आप क्या कहेंगे? आप महंगाई का भी देख सकते हैं, इतने चुनाव उत्तर प्रदेश के हुए कहाँ महंगाई की मुद्दा रहा, स्वयं हम सब बहनों ने यूपी में जाकर प्रचार किया, हम लोग बल्कि पूछते थे महंगाई कुछ आप लोग को ये है क्या, वो कहते हैं मोदी जी, योगी जी ने जिस प्रकार का सरकार चला रहे, तो हम लोगों को महंगाई कोई मुद्दा नहीं, लेकिन महंगाई के लिए भी हमारे सरकार अभी तैयारियां कर रही है। आप देखें डीजल और पेट्रोल के इसमें किस तरह के बदलाव आया, ऐसा सभी में होगा और ठीक ये सब होंगे। मैडम आपका भी घर है, आप भी गृहिणी है, आज के बजट में और कल के बजट में फर्क तो आपको भी दिखता होगा। बिल्कुल, बजट में फर्क तो है, लेकिन महिलाएं ऐसी है जो सब मैनेज करके चल रही है, क्योंकि उनको पता है मोदी जी सरकार होगा, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब की सरकार होगी, योगी जी का सरकार होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है लेकिन महिलाओं को महंगाई बढ़ने के कारण हमारी बहनें जान रही है क्यों बढ़ रहा महंगाई, क्योंकि जिस प्रकार की सुविधाएं हम लोग देख रहे हैं, आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में व्यवस्था देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देखिए, सड़कों की व्यवस्था देखिए, ट्रेन में व्यवस्थाएं देखिए, महिलाओं की सुरक्षा का देखिए, टेलीफोनिक व्यवस्था देखिए, तो महिलाएं ये सब समझ रही है, समझदार हो रही है, पढ़ लिख रही है, सब जान रही है। थैंक यू मैडम। जैसा कि आज महिला मोर्चा को आपके द्वारा आपका संबोधन है, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडला में हम, और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने प्रवास अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती रहती है, उसका ये मात्र एक भाग है।
और आगामी जो हमारे कार्यक्रम, हमारी जो आगामी योजनाएं हैं, कैसे महिलाएं सशक्त रूप से मैदान में उतरेंगी, उसकी जो योजना है उसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्र हैं। मैडम, एक बार हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आगामी चुनाव के मद्देनजर आरक्षण का मामला जो सामने है ओबीसी वाला, उस पे कैसे आप फाइट कर पाएंगे? बिल्कुल, माननीय न्यायालय का ये निर्णय है और ये माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसे हम स्वीकार करते हुए कैसे मैदान में उतरेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये मंशा रही कि ओबीसी आरक्षण रहे और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिला है उसके साथ हम पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे, और महिला मोर्चा भी अपने अपने फ्रंट पर। जैसा कि मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगी कि आज यदि हम लाडली लक्ष्मियों की बात करें तो 43 लाख लाडली लक्ष्मियाँ मध्य प्रदेश में हैं, और इस बात को लेकर, उज्ज्वला की बात को लेकर जब महिलाएं मैदान में उतरती हैं तो कोई भी सीट हो, हम सर्व समभाव की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का आरक्षण हो, कोई भी सीट हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाना है ये हमारी योजना में हमको शामिल करना है। यह भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है मैडम, लेकिन लोगों का तो यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दे आते हैं तो मंदिर मस्जिद में फंसा के रख दिया जाता है, जैसे कि अभी महंगाई का मामला है उसे मंदिर मस्जिद में फंसा दिया गया। जहाँ तक मंदिर का की बात है, मैं तो ये स्पष्ट रूप से कहूँगी कि ये भारतीय जनता पार्टी का केवल विषय नहीं था, ये भारत की ये जो 125 करोड़ जनता है उसका विषय था। ये एक स्वप्न था जो आज माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण साकार हुआ है, और इसको हमें किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये आवाम की भावना का विषय है, इसको जनता से जोड़कर देखना चाहिए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।